विदिशा जिले के पठारी में नगर के गल्ला मंडी प्रांगण में जिला स्तरीय सत्संग का आयोजन किया गया। समय 11 बजे 2 बजे तक का सतलोक आश्रम बरवाल हिसार टोहना हरियाणा के प्रकाशक संत राजपाल संत रामपाल महाराज के मुखारविंद से अमृतवाणी का एलईडी के माध्यम से लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें सत्संग सुनने के लिए जिला विदिशा सहित ग्रामीण क्षेत्रों से भारी संख्या में श्रद्धालु और जनसैलाब उमड़ा था। समाज में फैल रही सर्व बुराइयों को जैसे नशाखोरी, रिश्वतखोरी, चोरी करना, ठगी करना इत्यादि बुराइयों को छुड़वा रहे हैं। दहेज मुक्त विवाह सदगुरु संत राजपाल महाराज की धार्मिक ग्रंथों के शास्त्रों के आधार से साधना करवाते हैं तो सभी बुराइयां छूट जाती है। विदिशा पठारी से आशीष सेले की रिपोर्ट। तो भगवान शिव के चक्र की जो नीरू और नीमा नाम के जो विवाह थे वो उसी जन्म में ब्राह्मण थे। गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती बाई फोर्स उनको मुसलमान बना दिया था। हिंदुओं ने उनको अपने जाति से अलग कर दिया था। तो पहले वो उनकी रोजी रोटी कथा करके प्राप्त उस दक्षिणा से चला करती थी, वो बंद होगी। इसलिए उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू किया था और जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। तो वो शिव के पुजारी थे जब वो ब्राह्मण थे, लेकिन भले ही मुसलमान बन गए थे लेकिन भगवान शिव की याद उनको थी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।